हे एवरीवन, सो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ रहे थे क्लासिकल फील्ड थ्योरी, लैग्रेंजियन फील्ड थ्योरी। तो ये नोट्स हैं, हमने पढ़ लिया था बेसिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट भी हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने तीन पॉइंट कर लिए थे यहाँ तक कि जो यूलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन है वो क्या होती है, डी बाई डी टी डेरीवेटिव ऑफ कर्ली एल बाई कर्ली क्यू आई डॉट माइनस कर ली एल बाय कर ली क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा होता है यूलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ रहे थे हम, तो उससे मतलब मेरा फ़ोन जिसमें मैं शूट कर रही हूँ वीडियो ये गर्म हो गया था, तो गर्म होने की वजह से अपने आप बंद हो गया था, तो फिर वो बीच में रह गया था। तो वो कंटिन्यू करते हैं फोर्थ पॉइंट। ये नोट्स बना रखे मैंने, द हैमिल्टोनियन फंक्शन एच इज इक्वल टू एच क्यू पी टी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज। हमारा हैमिल्टोनियन फंक्शन है एच इज इक्वल टू एच क्यू पी टी। तो हमारा मतलब लैग्रेंजियन में क्या होता था ये हमने पढ़ा था, एल इज इक्वल टू एल क्यू वाई डॉट टी, मतलब कि क्यू वाई और फिर उसका डेरिवेटिव और टाइम टी। तो ये हमारा मतलब कि क्यू वाई तो हमारा जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता था और क्यू वाई डॉट हमारी जर्नलाइज्ड वेलोसिटी होती थी। और क्योंकि क्यू वाई क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ क्यू वाई डॉट क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ क्यू वाई। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन में एच इज इक्वल टू एच क्यू पी टी। हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शन है, तो हैमिल्टोनियन फंक्शन, तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ द सिस्टम क्या डिफाइन करेगा, एच इज इक्वल टू समेशन आई पी आई क्यू वाई डॉट अगेन, मतलब पी पी आई और फिर क्यू वाई इसका डेरिवेटिव माइनस एल, माइनस कर देंगे हम लैग्रेंजियन फंक्शन। सो वेयर पी आई आर कंजुगेट मोमेंटा टू कोऑर्डिनेट क्यू वाई। तो यहाँ पे पी आई क्या हमारा कंजुगेट मोमेंटा है टू कोऑर्डिनेट क्यू वाई एंड इज गिवन बाय, और पी आई को हम कैसे गिवन करेंगे, कर्ली एल बाय कर्ली क्यू आई डॉट से। ठीक है, हमारा यहाँ पे पी आई क्या होगा, कर्ली एल बाय कर्ली क्यू वाई डॉट। फ्रॉम यूलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन इट इज फॉलोज एज, तो यूलर्स लैग्रेंजियन इक्वेशन में क्या है कि जो पी आई डॉट है पी आई डॉट वो क्या होगा एज, मतलब देखो पी आई क्या है, कर्ली एल बाय कर्ली क्यू वाई डॉट, और पी आई डॉट क्या होगा फिर, पी आई डॉट यानी कि अगेन इसका डेरिवेटिव, तो वो होगा कर्ली एल बाय कर्ली क्यू वाई। सो सब्स्टिट्यूटिंग द लैग्रेंजियन इन द एक्शन इंटीग्रल एंड सेटिंग कर्ली आई डेल आई इज इक्वल टू जीरो कॉरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएशन डेल क्यू आई एंड डेल पी आई इन इन क्यू आई एंड पी आई रिस्पेक्टिवली, वी कैन गेट हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो ये हैमिल्टोनियंस कैनोनिकल इक्वेशन क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम ले रहे हैं कर्ली एच बाय कर्ली पी आई, तो वो क्या होगा क्यू वाई डॉट, और अगर हम ले रहे हैं कर्ली एच बाय कर्ली क्यू वाई तो वो होगा माइनस पी आई डॉट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फिफ्थ, मतलब ये सब हमें याद करना है, मतलब इस चैप्टर में क्या होता है आगे जब हम इसमें स्टडी करेंगे तो ये हमारे टर्म्स यूज होंगी, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हमें पहले ही पता है कि कर्ली एच बाय कर्ली पी आई क्या होता है क्यू वाई डॉट और वहाँ पे पुट कर रखा होगा तो दैट विल बी इजी फॉर अस, तो हमें इतना टफ नहीं लगेगा। और कर्ली एच बाय कर्ली क्यू वाई इज इक्वल टू है माइनस पी आई डॉट। फिर उसके बाद आता है द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर जनरल डायनामिकल वेरिएबल एफ इज इक्वल टू एफ क्यू वाई पी आई टी कैन बी इजिली रिड्यूस्ड टू, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर जनरल डायनामिकल वेरिएबल एफ इज इक्वल टू एफ क्यू वाई। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जर्नल डायनेमिकल वेरिएबल है f इज इक्वल टू क्यू वाई पी आई, यहाँ भी डिफरेंट फंक्शन है क्यू वाई पी आई टी कैन बी इजिली डिड्यूस डू, तो इसको हम किस में डिड्यूस करेंगे, अगर हम डी एफ बाई डी टी अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, मतलब कि या तो डी एफ बाई डी टी या कर्ली एफ बाई कर्ली टी, तो मतलब क्या डी एफ बाई डी टी क्या होगा, कर्ली एफ बाई कर्ली टी प्लस समीशन कर्ली एफ बाई कर्ली क्यू वाई और साथ में उसका डेरिवेटिव क्यू वाई डॉट, फिर कर्ली एफ बाय कर्ली पी आई देन उसका डेरिवेटिव पी आई डॉट। तो हमने पढ़ रखा है क्या होता है कर्ली एफ बाय कर्ली टी प्लस
ये फंक्शन क्या होता है? ये हमारी पॉइजन ब्रैकेट होती है। जब हम पॉइजन ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से, मतलब उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, जैसे यहाँ पे क्या है, करली एफ बाय करली क्यू वाई, और साथ में क्या है, क्यू वाई डॉट। तो ये किसके लिए? ये एफ का फंक्शन हो गया। अब करली एफ बाय करली पी आई, और साथ में क्या है, पी आई डॉट। तो ये फिर ये एच का फंक्शन हो गया। सो वेयर एफ एच इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड एच। तो ये एफ एच हमारी क्या है, पॉइजन ब्रैकेट है एफ एच के लिए। सो दिस वॉज दी क्लासिकल फील्ड थ्योरी और लैग्रेंजियन फील्ड थ्योरी। सो दिस वॉज दी पार्ट टू, बिकॉज पार्ट वन में हाफ रह गया था, तो ये वो और ये मिला के पार्ट वन और पार्ट टू मिला के दोनों कंप्लीट वीडियो हैं। सो यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप स्टडिंग।